फोर ईयर सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो TMBU में पूछा गया है उसको आज सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा इसका बेसिक्स जान लेते हैं। तो पहले हम पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि ए फंक्शन एफ डिफाइंड ओवर आर टू आर इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर टी सच दैट एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स एंड टी इज कॉल्ड ए पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो हम तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि साइन एक्स। तो साइन एक्स में क्या होता है कि साइन का वैल्यू साइन टू पाई प्लस एक्स बराबर ये भी क्या होता है साइन एक्स होता है, यानी यहाँ पे फोर पाई भी रखेंगे तो वो भी क्या होता है साइन एक्स होता है। तो हम इसको पीरियड बोलेंगे कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा यानी टू पाई फोर पाई सिक्स पाई में जो स्मॉलेस्ट है यानी टू पाई, तो इसको क्या बोलेंगे पीरियड। तो जैसे हम कोस एक्स में भी तो वो क्या हो जाएगा कोस टू पाई प्लस एक्स कोस फोर पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे कोस टू पाई प्लस एक्स यहाँ पे टू पाई क्या हो जाएगा कोस एक्स का पीरियड हो जाएगा। जैसे टेन एक्स टेन एक्स टेन पाई प्लस एक्स बराबर टेन एक्स टेन टू पाई प्लस एक्स बराबर टेन एक्स, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई जो होगा वो टेन एक्स का मेरा क्या हो जाएगा पीरियड होगा। तो हम पीरियडिक फंक्शन समझ गए। अब देखते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है कि इवन फंक्शन ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। तो यानी हम माइनस एक्स जहाँ पे पुट करेंगे फंक्शन एफ एक्स में तो वो उसी के बराबर आ जाए तो वो मेरा क्या होगा इवन फंक्शन होगा। तो जैसे कि हम कोस एक्स में हम कोस माइनस एक्स करते हैं तो वो कोस एक्स के बराबर होगा, और साइन एक्स तो साइन माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा लेकिन उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा साइन एक्स ही आएगा, तो उसी तरह मॉडुलस एक्स का। तो ये थोड़ा ग्राफ में भी देखते हैं कि इवन फंक्शन को हम पहचानेंगे कैसे ग्राफ के द्वारा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये मेरा एक्स का प्लॉट है, तो यहाँ पर देखिए कि ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के दोनों तरफ देखिए कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है ये, तो यानी जो भी इवेंट फंक्शन होगा वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ओड फंक्शन में क्या होगा कि इफ उसमें माइनस अगर एक्स पुट करेंगे उस फंक्शनल वैल्यू पर तो वो क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स दे तो वो मेरा क्या हो जाएगा ओड फंक्शन होगा। जैसे कि हम साइन एक्स, तो साइन एक्स में यहाँ पे माइनस अगर साइन माइनस एक्स करते हैं तो वो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स होगा, उसी तरह अगर टेन माइनस एक्स करेंगे तो माइनस टेन एक्स होगा, अगर एक्स को तो वहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो होगा ये उसी तरह ओरिजिन के ये सिमेट्रिक होगा। जैसे कि हम एक्स का हम फंक्शन एक्स का जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये क्या होता है कि इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है ओरिजिन के इस साइड में ये मेरा इधर है दोनों तरफ क्या हो जाए बराबर है, तो यानी इसके सिमेट्रिक है ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है। तो ओड फंक्शन क्या होगा कि ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा और इवन फंक्शन मेरा क्या होगा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो ठीक है, और इसका ये जो है डिफिनिट इंटीग्रल में दो प्रॉपर्टीज जो है जैसे कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर ये मेरा ओड फंक्शन होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, अगर ये इवन होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा दो गुना हो जाएगा। तो ठीक है, दो गुना जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ठीक है, तो ओड कोस एन पाई का वैल्यू क्या होता है माइनस वन टू द पावर एन, और साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है जीरो, और कोस टू एन प्लस वन पाई बटे टू अगर इसका वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, उसी तरह साइन टू एन प्लस वन पाई बटे टू क्या हो जाएगा माइनस वन पर पावर एन। तो हम यहाँ इस वैल्यू को भी हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका भी यूज होगा, अगर इसका यूज इसमें जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे तब इसका यूज होगा।
वैसे ऑब्जेक्टिव में ये यूज होने की कम संभावना, वैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तब देख, तब वैसे ही ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो हम अब देखते हैं कि फूरियर सीरीज क्या होता है। कोई भी अगर फंक्शन है उसको हम पीरियड यानी साइन और कोस, साइन एंड कोसाइन फंक्शन में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं यानी एक्सपेंड करते हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, फूरियर सीरीज होगा। तो कोई भी फंक्शन हम लेते हैं उसको हम साइन और कोसाइन फंक्शन में एक्सपेंड करते हैं तो वो क्या होता है, फूरियर सीरीज होता है। तो ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमको ये यूलर्स फॉर्मूला की बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये तो बहुत ज़रूरी है याद रखना, ये याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर ए नोट बाई टू समेशन एन वन रनिंग टू इन्फिनिटी, तो कोस एन पाई एक्स बाय एल और समेशन एन वन टू इन्फिनिटी बी एन और साइन इन टू एन पाई एक्स बाय एल। तो हम यहाँ पे एल और ये जो ए नोट और ए एन बी एन के बारे में हम देखेंगे क्या है। तो एक इसका अल्टरनेटिव ये भी एक यूलर्स फॉर्मूला है, इसी का मतलब मॉडर्न इसी से बनाया गया ये। जैसे कि हम कोई माइनस पाई टू, अगर पाई तक कोई वैल्यू रहेगा तो वो उसका एल का वैल्यू मेरा क्या होता है, पाई होता है, तो इसलिए पाई पाई कट जाता है, तो ये मेरा आ जाता है। और जैसे कि जीरो टू एक्स टू पाई, तो ये इसका भी एल का वैल्यू क्या होता है, पाई ही आता है, तो इसलिए पाई पाई मेरा कट जाता है, तो इसलिए ये मेरा भी फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं। तो लेकिन ये मेरा जनरल के लिए, लेकिन ये मेरा पार्टिकुलर के लिए जहाँ पे मेरा जो है एल का वैल्यू मेरा पाई रहे तब हम इस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। तो लेकिन ये मेरा जनरल के लिए, तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, उसी से ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ए नोट के बारे में जानेंगे कि ए नोट है क्या, वन बाय एल माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है, ये सब ये जो यूलर फार्मूला है ये बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको हम पूरा याद रखेंगे। तो ए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाय एल माइनस एल टू एल एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स। और यहाँ पे बी एन का वैल्यू क्या होगा, वन बाय एल माइनस एल टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ए एन कोस वहाँ पे है, तो यहाँ पर भी कोस है, तो ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हिंट्स देखिए कि यहाँ पर जो है ए एन इंटू कोस है, तो यहाँ पर भी क्या है कि एफ एक्स इंटू कोस है ए एन का वैल्यू। जैसे कि बी एन है, यहाँ पे बी एन में क्या है कि बी एन इंटू ए साइन एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या है कि बी एन एफ एक्स इंटू साइन है। तो यहाँ पे इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये कैपिटल एल है, तो इसका वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एल यहाँ अपर जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये जो टू एल हो जाएगा, तो यानी टू एल बराबर क्या हो जाएगा, एल माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट जो है माइनस एल है, तो ये क्या हो जाएगा, टू एल हो जाएगा, तो एल बराबर एल हो जाएगा। तो हम ये हर एक कंडीशन में इस तरह से नहीं होगा कि एल बराबर मेरा एल ही होगा, तो इसलिए हम थोड़ा अलग अलग लिख दिए कि जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो। तो हम थोड़ा इसमें जब हम क्वेश्चन इसका जो फूरियर सीरीज का जो सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरह का जो है सीरीज आएगा, तो उसका वैल्यू हम पाई स्क्वायर बाय 12 लिख देंगे। तो इसलिए ये सब याद रखने की ज़रूरत है। तो जैसे कि 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर, अगर ये अल्टरनेटिव देखिए कि है, लेकिन ये नीचे 1 2 3 ये है, तो पाई स्क्वायर बाय 12 इसका ये होगा, इसका समेशन। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अल्टरनेटिव मतलब साइन चेंजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 6। इस तरह से याद रख सकते हैं।
और यहाँ पर जब देखिए कि एक मतलब यहाँ पे सब ओड का जो है स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अब देखिए कि इम्पोर्टेंस रिजल्ट के बारे में हम देख लेते हैं, जो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और यूलर्स फॉर्मूला और ये इम्पोर्टेंस रिजल्ट। तो ठीक है, तो फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज एफ एक्स इन इंटरवल माइनस पाई एक्स और पाई, यहाँ पे इंटरवल देखिए कि क्या दिया हुआ है, इंटरवल माइनस पाई और पाई के बीच में, तो यहाँ पे एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई, तो पाई माइनस माइनस पाई, तो यानी पाई प्लस पाई हो जाएगा, तो यानी टू पाई, और यहाँ पे टू एल बराबर क्या हो जाएगा टू पाई, तो एल बराबर क्या हो जाएगा पाई। तो एल बराबर यहाँ पे जो पाई हुआ, तो हम क्या करेंगे कि ये जो है वहाँ पे वन बाय एल था, और यहाँ पे इंटरवल देखिए कि माइनस पाई टू है, यहाँ पे माइनस पाई टू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस पाई टू पाई हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस पाई टू, इंटरवल में कोई चेंजिंग नहीं करना है। और वन बाय एल एफ एक्स इंटू डी एक्स, वन बाय एल एफ एक्स, यहाँ पे कोस एन पाई एक्स बाय एल था, तो यहाँ पर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल का वैल्यू पाई था तो पाई पाई कट गया, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी उसी तरह, तो ये इम्पोर्टेंस रिजल्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पे जीरो की जगह पे माइनस पाई होगा, यहाँ पे माइनस पाई होगा, यहाँ पे माइनस पाई होगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस रिजल्ट नंबर टू पर चलते हैं। तो रिजल्ट नंबर टू में क्या है कि फोरियर सीरीज ऑफ एन ओड फंक्शन एफ एक्स इन इंटरवल क्या है, माइनस पाई एक्स टू एफ। अगर ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन में क्या था कि ओड फंक्शन में यहाँ पर हम रिजल्ट देखें कि ओड फंक्शन में क्या होगा कि माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पर देखिए कि उसी जब इसको यूलर फॉर्मूला को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट और ए एन जो है वो मेरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ एक्स मेरा क्या आ गया, ओड फंक्शन है, और कोस जो से मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस एन एक्स से, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, ये इवन फंक्शन है ओड फंक्शन, तो दोनों मल्टीप्लाई होके ओड फंक्शन मेरा देगा। तो ओड फंक्शन वो का उसका जो कोफिशियंट यानी ए एन जो मेरा था वो मेरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा जीरो हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि हम बोले थे कि यहाँ पे माइनस ये जो है साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे जब माइनस पाई टू पाई है, तो इसको हम जब डिफिनिट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस पाई बदल के क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो और यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो यहाँ पे किया जा चुका है। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंस रिजल्ट नंबर थ्री पर। तो इफ यहाँ पे फोरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन के लिए पहले ओड फंक्शन में देखें कि कौन सा जीरो है, कि ए नॉट और ए एन मेरा जीरो है, और बी एन का वैल्यू यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा, तो या बी एन का वैल्यू ये याद रखिएगा, और मतलब ये पूरा इम्पोर्टेंस रिजल्ट पूरा याद रखिएगा, एक कॉपी में लिख के दो बार तीन बार लिख लीजिएगा। तो इवन फंक्शन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बी एन मेरा जो है वो जीरो हो जाएगा, तो यूलर्स फॉर्मूला को ही एक्सपेंड करेंगे तो और तो वो क्या हो जाएगा, तो उसी से हमको बी एन बराबर जीरो। अगर इस सब का भी अगर प्रूफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका प्रूफ हम ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इवन फंक्शन रहेगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा बी एन बराबर जीरो हो जाएगा, अगर ओड फंक्शन रहेगा तो ए एन बराबर जीरो होगा। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा कि एफ एक्स बराबर ए नॉट बाय टू प्लस समेशन ऑफ एन वन रनिंग वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। तो इस फंक्शन का वैल्यू और बी एन बराबर जीरो, तो ये सब याद रखिएगा, अच्छा रहेगा।
तो अब रिजल्ट नंबर 4 पर चलते हैं कि इफ फॉरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इन 0 to π इज गिवेन बाय, अगर ये रहेगा तो मेरा जो है एफ एक्स का, देखिए कि हम बोले थे कि एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2π, माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π होगा, और ये किसके बराबर होगा 2l के बराबर, तो l का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे देखिए कि 1 by l, तो उसी तरह उस यूलर फंक्शन से ही हम इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो अब देखिए कि रिजल्ट नंबर 5 पर देखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये मेरा फंक्शन एफ 2π माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये देखिए कि बी एन साइन एक्स यानी ओड फंक्शन की तरह ही ट्रीट करेगा, तो यानी ये रिजल्ट रखने में याद रखने में भी आसानी होगी। तो उसी तरह ये भी मेरा किसके 2π माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे एफ एक्स, ये इवन फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, तो ये भी, तो यानी हमको बहुत कम ही रिजल्ट याद रखने, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होगा। तो अब यहाँ पे 3 नोट्स हैं कि द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ एफ टू द फंक्शन एफ एंड नॉट टू द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस अगर कोई फंक्शन है तो ये जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो, तो ठीक है। और द फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक, अगर कोई भी फोरियर सीरीज का जो कोई भी फंक्शन का जो फोरियर सीरीज होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंस है कि दो डिफरेंट फंक्शन का जो है वो एक सेम फोरियर सीरीज जनरेट कर सकता है, यानी दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन रहे वो क्या करेगा, कैन जनरेट द सेम फोरियर सीरीज, ठीक है। तो हम अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो TMBO में पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूछा गया है 2018 में, और ये क्वेश्चन नंबर है D, फोरियर कोफिशियंट ऑफ एन इवन फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो अगर फोरियर सीरीज का जो है कोफिशियंट जब वो इवन फंक्शन के लिए तो क्या होता है bn बराबर 0, तो ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखेंगे 2017 में जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को, 2017 में पूछा गया कि फोरियर सीरीज ऑफ एन ओड फंक्शन इज, तो ये क्या होता है कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाता है सिग्मा बी एन इंटू साइन एक्स, ठीक है। 2016 में पूछा गया है कि एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज इज द फोरियर सीरीज ऑफ इट्स सम, ठीक है। तो 2014 में पूछा गया है कि लेट एक्स बराबर फाइव नॉट फाइव वन फाइव टू बी ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन इन L2i देन एफ एक्स एसोमॉर्फिक सिग्मा एन बराबर 0 to ∞ सी एन एफ एन एक्स इज कॉल्ड फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स रिलेटेड टू एस इफ, ये इसमें जो इसका जो आंसर होगा ये 1 or 2 दोनों होगा, यानी 3 नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो अब 2012 का क्वेश्चन देखते हैं कि फोरियर सीरीज फोरियर कोफिशियंट ऑफ एनी इंटीग्रल फंक्शन टेंस टू 0, क्योंकि एक देखे हैं कि हम ENB मेरा 0 हुआ BNB मेरा 0 हुआ जब ओड फंक्शन इवन फंक्शन, यानी ये भी मतलब हो सकता है क्यों? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियबल ओड फंक्शन इज, तो ओड फंक्शन हम कोई मान लेते हैं जैसे कि हम मान लेते हैं ओड फंक्शन यानी साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स होगा, तो कोस एक्स मेरा क्या है इवन फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा नंबर
सही होगा। ठीक है, ये 3 बार पूछा गया, 2012, 2011, 2008 में। तो 2011 का क्वेश्चन देखते हैं कि इवरी ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज इज ए फोरियर सीरीज, ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि इवरी ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज ए फोरियर सीरीज, ये सही है। तो अब 2006 में पूछा गया, कैन द सीरीज साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स बी ए फोरियर सीरीज फॉर एनी फंक्शन। तो यहाँ पे कोई भी हम फंक्शन को जो हम साइन और कोसाइन में हम एक्सपेंड करते हैं तो वो क्या होता है, फोरियर सीरीज होता है। तो ये भी सही है। तो थैंक्स।